डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक का जो 8.2 का जो एक्सरसाइज है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका सेकेंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट आज सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला का जो सेक्शन कराया है उसमें जो एंगल का जो फॉर्मूला है, एंगल का जो टेबल है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस वैल्यू को आप याद कर लें या फिर जब आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम तो उस समय इस सीट को आप अपने पास रख लें। उसके बाद ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। चलिए तो इस पर आप क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद अपना डाउट क्लियर करते हैं। 2 × 10 45 क्या होता है? 10 45 क्या होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है? cos 30 √3/2 माइनस sin 60 क्या होता है? √3/2। ये 1 का स्क्वायर क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 प्लस √3/3 और 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा? 3 का √3/3 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये देख रहे हो ये दोनों चीज सेम ही है, बस साइन का डिफरेंस है, ये प्लस में ये माइनस में है तो डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका? 2 आंसर, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये तो सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, अब फिफ्थ क्वेश्चन। 5 cos 60 क्या होता है? cos 60 1/2 का स्क्वायर। बस आप फॉर्मूला याद रखो, यहां पर बस सिंपली पुट करना है, एंगल्स में आपका फॉर्मूले में ऐसे ही आपका आ जाएगा। cos का क्या होता है? cos 30 डिग्री का √3/2 तो sec का क्या हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर। अब tan का क्या होगा? सिंपल 1। यहां पे क्या है? sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? सिंपल सॉल्व कीजिए। 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, ठीक है, नीचे का सॉल्व कीजिए। 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पे क्या होगा? 5 × 1/4 तो क्या हो जाएगा? 5/4 प्लस 16/3, ये क्या है? माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 3/4। क्या करना है? एलसीएम लीजिए, 4 × 3 = 12, एलसीएम क्या हो गया? 4 × 3 = 12 तो 5 × 3 = 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 4 = 12 तो 16 × 4 = 64 माइनस 12, ठीक है। कैसे गया? 4 × 3 तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 तो 16 × 4 = 64 माइनस 12 अपॉन, इसका एलसीएम लूंगा तो ये 1/3, 1+3, ठीक है। अब क्या करना है? इसे डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 × 4 = 9, 2 = 7, यहाँ पे क्या हो गया? 6 × 1 = 7, 1 = 6, 1 × 12 × 4/4। देख लो आप यहाँ क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 5 × 4 = 9, 6 × 1 = 7 - 12, तो आप इसे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके देख लो तो ये यही आएगा, ठीक है, तो आप ये कर लेना। इसके बाद ये क्या कर सकते हो? 4 × 4 करता हूँ, 67/12, क्या आ जाएगा? 12 × 60 तो 5 × 7/12, इसका आंसर क्या आता है? तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, तो इसे पहले इरेज करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा, एक तो फॉर्मूला बेस्ड है, एक वैल्यू बेस्ड है, दोनों कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 1 मैंने, ठीक है, ये सिंपली मैं डायरेक्ट
यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ और आंसर निकाल रहा हूँ। इसके बाद फॉर्मूला वाला दिखाऊंगा। 2 × 10^30 क्या होता है? 1/√3, ठीक है? ये क्या हो गया? 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2/√3 और ये क्या हो गया? 1 + 1/3 क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर क्या है? 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2/√3/3+1। अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करो, 2/√3 × 3/4। √3 × √3 तो ये √3 से √3 कट गया, ये √3/2 क्या होता है? ये √3/2 ये आ गया। एक और फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला डायरेक्ट सेकेंड मेथड, इसको हम डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला बेस्ड करेंगे। 10 √30 × 1 + 10² √30। ये सिंपली किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2θ का ये फॉर्मूला है। थीटा क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री है। थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो सिंपली 2 × 30 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री। और हम क्या जानते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों इक्वल है। ये दो अलग अलग मेथड है, बाकी आंसर जो आपका आएगा सेम आएगा। ये देखो आपका फॉर्मूला याद है तो मिनटों में आप इसे सॉल्व कर लोगे। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसमें वैल्यू पुट करके भी इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। sin 2a, इसमें भी सिंपल फॉर्मूला है। sin 2a का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? sin a 2 sin a × cos a, ठीक है? फॉर्मूले पे पुट कर दो, 2 sin a × cos a = 2 sin a, ठीक है? करना क्या है? डायरेक्ट अपोजिट साइन क्या है? दोनों साइड है, तो ये इधर भी 2 sin a, इधर भी 2 sin a, कॉमन है। क्या हो गया? cos a = 1। 1 क्या होता है? इसका वैल्यू है cos का, जल्दी याद करो, याद करो। तो ये क्या होता है? 0 का वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है? तो क्या करना है? a का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि cos से cos कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे है 2 tan, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका पहला मेथड हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बताऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट मेथड में फॉर्मूला पुट करके बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3, इसके बाद क्या आ जाएगा? 1 − √3 का स्क्वायर, सॉल्व करो, 2/√3, इसके बाद क्या आ जाएगा? 1 − 1/3, ठीक है? एलसीएम ले लो, 2/√3, ये क्या हो गया? 3 − 1 क्या हो गया? 2/√3 × 3/2, कुछ नहीं डिवाइड किया है तो ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 √3 क्या आ गया? ये √3, ठीक है? ये आंसर आ गया। अब सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा ये फॉर्मूला डायरेक्ट किसका है? डायरेक्ट tan 2θ का, tan 2θ का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, tan 2θ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिख दो tan 2θ, थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है? 30 डिग्री, ठीक है? पुट कर दो, tan 2 × 30 डिग्री क्या आ गया? tan 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, मैंने करा रखा है ये। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस जो वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री का उसको आप प्रेफर करें, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप मिनटों का काम सेकंडों में कर लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे करना क्या है? tan 60√3, तो देख लो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। कौन सा ये मेथड? ये होता है कि आप सिंपल वे में शॉर्टेस्ट टाइम में आप इजिली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है? तो इसे इरेज करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसका
डियर फ्रेंड्स, ये हमारा 8.2 का थर्ड क्वेश्चन है और इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 upon root 3, और ये कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, a plus b का वैल्यू जो लाई करेगा किसके बीच में, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ये लाई करेगा, और a का वैल्यू जो होगा ग्रेटर होगा इससे b के वैल्यू से, मतलब एंगल a का वैल्यू ग्रेटर होगा इससे एंगल b के वैल्यू से। तो सिंपली इससे पहले जो गिवन है उसे पहले यूज करते हैं, a tan a plus b क्या है, root 3। तो इससे कुछ लगता है क्या, root 3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का, बस tan 60 डिग्री, tans कैंसिल आउट, तो क्या आ गया यहां से, a plus b equal to 60 डिग्री। तो क्या है, इक्वेशन 1, ठीक है, पॉइंट आउट। अब दूसरा है tan a minus b equal to 1 upon root 3। अब आपको पता होगा 1 upon root 3 क्या होता है, tan 30 डिग्री, सिंपली पुट कर दीजिए, ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट, a minus b equal to 30 डिग्री, ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब इसे करना क्या है, सॉल्व करना है, कर दीजिए, 30 डिग्री a minus b, a minus b equal to 30 डिग्री, बस कर दीजिए माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2b equal to what, 60 minus 30, 30 डिग्री, तो b equal to क्या आ जाएगा, 30 upon 2, तो ये 15 डिग्री आ गया, क्या आ गया, b क्या आ गया, b 15 डिग्री। अब निकालना क्या है, a, तो a का वैल्यू, b का जो वैल्यू आया है, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट b equal to 15 डिग्री इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या करो, a plus b equal to 60 degree, got my point। अब क्या करना है, यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कोई डाउट, अब क्या करना है, अपोजिट साइन, साइड से कर रहा है अपोजिट साइन, तो 15 degree, ये क्या है, 45 degree, सिंपल मेरा क्या आ गया, a का वैल्यू और b का वैल्यू, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दो कंडीशन दे रखा है, ये दो कंडीशन ये फुलफिल करता है, चलो देख लेते हैं, हाँ जी, a plus b क्या है, a plus b, तो ये क्या है, 45 डिग्री a, 15 डिग्री, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, छोटा और इक्वल टू होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से, कौन, a plus b, a plus b 60 डिग्री, तो ये क्या है, इससे बड़ा भी और इससे छोटा भी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, अब देखो सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, a greater than b, तो क्या a का वैल्यू b से बड़ा है, नहीं, बिल्कुल बड़ा है जी, a क्या है, 45 b 15, तो लो 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लो, ठीक है, और पहली बात, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो, हाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हो सकता है आपको वो फॉर्मूला याद ना हो, तो पहले फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप अपने साथ साथ चार्ट रखें, जो चार्ट मैंने फॉर्मूला यूज कराया था, और उसके साथ इसे यूज करना स्टार्ट करें, थैंक यू।